अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीर रहमान और इस वीडियो में हम आज मोनोन्यूक्लियोटाइड और डायन्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। देखें, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जो है वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है में जो है न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड मीन्स जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जो है वो न्यूक्लिक एसिड बना रहे थे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लेकिन हमारे सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वो अकेले रहते हैं। ठीक है, वो सिंगल जिंदगी गुजारते हैं, तो हम इन्हें जो है मोनो न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। मोनो मीन सिंगल, न्यूक्लियोटाइड मीन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दे आर सिंगल न्यूक्लियोटाइड, वो मिलकर जो है वो न्यूक्लिक एसिड नहीं बनाते, मतलब डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बल्कि वो सिंगल अपनी जिंदगी गुजारते हैं सेल के अंदर। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम मोनो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अच्छा, मोनो न्यूक्लियोटाइड के अलावा जो है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जो है मोनो न्यूक्लियोटाइड के अलावा न्यूक्लियोटाइड, तो एक तो हमने पढ़ा के मोनो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल प्रेजेंट होते हैं, और कुछ न्यूक्लियोटाइड जो है दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डाई न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, मतलब वो दो का ग्रुप बना, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं और एक साथ रहते हैं। और बाकी हमने पॉली न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस कर ही लिया था कि पॉली न्यूक्लियोटाइड ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और उसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, क्या है, डीएनए आरएनए, उसकी दो एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी। तो मोनो न्यूक्लियोटाइड हम देखेंगे इस वीडियो में कि मोनो न्यूक्लियोटाइड की जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एटीपी। ATP is a very familiar molecule, हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, 9th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ATP क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, जो कि हमारे सेल में एक एनर्जी करेंसी का काम करती है। जब भी सेल को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ATP को खर्च करके उसमें से एनर्जी निकालता है और अपना काम कर लेता है। मिसाल के तौर पर कंडेंसेशन के प्रोसेस में अगर सेल को एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाना है, अमाइनो एसिड्स को जोड़कर एक प्रोटीन बनानी है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी। अगर फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल को जोड़कर फेट बनानी है, देन वो एटीपी कहाँ से आएगी, एनर्जी एटीपी से आएगी। ठीक है, और साइक्लोसिस है, सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है साइटोप्लाज्म की, उसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो भी एटीपी से आएगी। बहुत सारे जितने भी सेल के अंदर काम हो रहे हैं, एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन हो रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ से हो रहे हैं, एटीपी इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई हम ही कहते हैं कि एटीपी जो है वो एक बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, मतलब वो फौरन से एनर्जी जो है सेल को प्रोवाइड करेगा तो वो क्या अपनी शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, फिर दोबारा वो अपने अंदर एनर्जी भर लेगा तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो इस वजह से हम इसको अनस्टेबल एक मॉलिक्यूल कहते हैं। जब वो एनर्जी दे देता है तो वो क्या बन जाता है, एडीपी बन जाता है। अब जब उसके अंदर दोबारा एनर्जी भर दी जाती है देन फिर क्या बन जाता है, वो एटीपी बन जाता है। तो इस तरह से वो हम इस वजह से हम इसको अनस्टेबल एक मॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं सबसे पहले कि एटीपी के स्ट्रक्चर में क्या है और वो किस तरह का बना होता है। देखें, हमने न्यूक्लियोटाइड के अंदर पढ़ा था कि तीन किस्म के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन किस्म के कंपोनेंट होते हैं। एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ये उसके अंदर हमने पढ़ा है कि तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर शुगर। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तीसरी क्या होती है इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। लेकिन यहाँ क्या है, एटीपी में क्या है, एटीपी के अंदर जो फॉस्फेट है वो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं।
न्यूक्लियोटाइड में यूजुअली एक लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप पेंटोस के साथ, पेंटोस शुगर के साथ, लेकिन यहाँ पर कितने एटीपी, एटीपी का मतलब ये है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी, टी मीन्स ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, फॉस्फेट मीन्स फॉस्फेट ग्रुप कितने लगे हुए हैं इसके अंदर, तीन लगे हुए हैं, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नॉन एज एटीपी। ठीक है, अच्छा एटीपी के अंदर क्या है, एटीपी के हम ये कहते हैं एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ए फॉर एडिनोसाइन, एडिनोसाइन का मतलब क्या है, राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर के साथ जब एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस आकर मिलती है तो वो क्या बन जाती है, एडिनोसाइन बना लेती है, और उसके बाद फिर तीन फॉस्फेट ग्रुप आकर लग जाते हैं, थ्री फॉस्फेट ग्रुप आकर लग जाते हैं, तो वो एटीपी का मॉलिक्यूल टू पूरा हो जाता है। अब एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो एटीपी के मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पर ये है, एटीपी हमारे पास एटीपी, एटीपी का मॉलिक्यूल जब सेल को जरूरत होगी तो वो क्या करेगा, एनर्जी की जब जरूरत होती है तो अपने एक एक जो फॉस्फेट है उसके पास है लास्ट वाला, मिसाल के तौर पर ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एडिनोसाइन है ठीक है, और ये तीन फॉस्फेट हैं, ये पहला फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप है, ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, अभी आखिर के जो दो फॉस्फेट ग्रुप हैं ये एनर्जी रिच है, मतलब क्या है, जब जब इनको तोड़ा जाएगा इसके अंदर से तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। तो सेल क्या करता है, यूजुअली इन तीन फॉस्फेट फॉस्फेट में से एक ये लास्ट वाला फॉस्फेट निकाल देता है तो बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और ये एटीपी की जगह क्या बन जाता है, एडीपी बन जाता है, क्योंकि इसके पास अब एक फॉस्फेट निकालने के बाद कितने बच गए, दो फॉस्फेट ग्रुप बन गए बच गए। ठीक है, और एक फॉस्फेट जब ये बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, वो कितनी एनर्जी निकलती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एटीपी। ठीक है, पर मोल ऑफ एटीपी, तो इस तरह से ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसकी जो आखिर के दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो एनर्जी रिच होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड की। डाई न्यूक्लियोटाइड ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ऐसे मोनो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो क्या कहते हैं, वो अकेले रहना पसंद नहीं करते बल्कि वो जोड़ी की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर रहते हैं, इस वजह से हम इसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये सेल के अंदर अकेले नहीं रहते बल्कि ये दो न्यूक्लियोटाइड आकर आपस में मिल जाते हैं, इस वजह से इसे हम डाई, डाई मीन्स टू, न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आकर डाई न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक है, अब डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल कौन सी है हमारे सेल के अंदर, एनएडी, एनएडी कहते हैं निकोटिनामाइड 89 डाई न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, अच्छा एनएडी अब है क्या, एनएडी देखें, एनएडी में जो निकोटिनामाइड है ये तो विटामिन्स के अंदर भी होता है, ज़्यादातर जो विटामिन्स होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट निकोटिनामाइड होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है, निकोटिनामाइड जो हमारे पास ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये द कोएंजाइम काम करता है। ठीक है, अब कोएंजाइम क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर एंजाइम वाले चैप्टर में बताया था आपको कि कोएंजाइम ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि एंजाइम के साथ जाकर अटैच हो जाता है, और एंजाइम के साथ जाकर अटैच क्यों होता है, क्योंकि उसे कोई इलेक्ट्रॉन या कोई केमिकल ग्रुप जो है वो कैरी करना होता है, प्रोटीन जो एंजाइम होता है वो खुद नहीं कैरी कर सकता था, वो उसको अपने साथ लगाता है कोएंजाइम को, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी मॉलिक्यूल से उसे लेना होता है तो वो उसके ऊपर रख देता है और जो है उसको उस दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो है वो रिएक्शन करता है। अच्छा, अब कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसके साथ एनएडी अटैच होता है, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके साथ निकोटिनामाइड 89 डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो जाकर अटैच हो जाता है, और ये क्या करते हैं, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम किसी हाइड्रोजन के पास जो किसी और मॉलिक्यूल्स के पास जाते हैं और उसके अंदर से दो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर देते हैं। दो हाइड्रोजन रिमूव करने का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो दो हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम एच आयन, एच पॉजिटिव आयन की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के साथ क्या लगा हुआ है, एनएडी लगी हुई है, एनएडी क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड है। अब डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम
दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, एनएडी को दे देगा, एनएडी को दे देगा दोनों इलेक्ट्रॉन, और ये एनएडी क्या बन जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और दो प्रोटॉन में से सिर्फ एक प्रोटॉन जो है वो देगा एसएडी को, ठीक है। अब एनएडी के पास एक प्रोटॉन आ गया, एच आ गया, ठीक है, ये देखे, और दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन लेने के बाद और प्रोटॉन लेने के बाद हम कहेंगे कि ये एनएडी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो रिड्यूस होने के बाद जो इसकी शक्ल बन जाएगी वो क्या होगी, एनएडीएच, ठीक है। एनएडी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने के बाद एनएडीएच। तो इस तरह से एनएडी या डायन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इधर कोएंजाइम हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है। और मोनोन्यूक्लियोटाइड की जो एग्जांपल हमने पढ़ी है वो एटीपी है, जो कि एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, और जब भी सेल को जरूरत होती है किसी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस में एनर्जी की, तो एटीपी जो है उसको एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है अपना आखिरी फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करके। और वो एनर्जी कितनी प्रोवाइड करता है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, या दूसरे यूनिट में 31.81 किलो जूल। तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।